नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताऊंगा नेचुरल रबर यानी रबर शीट को कैसे तैयार करने के बाद कैसे रोलिंग किया जाता है। बहुत से लोगों को देखा है शीट ज़्यादा लंबा होता है या चौड़ा होता है या टेढ़ा हो जाता है, शीट की साइज अच्छे नहीं बनती है। तो मेरा ये 1 मिनट का वीडियो में आप सीख लीजिए कैसे रोलिंग करते हैं। तो आइए बिना देर करें शुरू तो करते हैं। पहले आपको ये सुराह करके 2 बार देना पड़ता है, बाद में लंबा करके 3 या 4 बार। ये लंबा कर, ये आपका सुराह करके 2 बार दिया है, ठीक है। ऐसे 2 बार डालना पड़ेगा उसको, और इसका जो गैप है आस्ते आस्ते उसको कमाना पड़ेगा, कम करके करके लाना होगा। ये थोड़ा गैप ज़्यादा रखना पड़ेगा, उसके बाद कम करना होगा। ये देखिए इसका जो व्हील है इसको ये कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो दवाई देखिए निर्भर, ये देखिए इसको इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये व्हील जो है इस ऐसे करने से पास जो इसका जो गैप है बढ़ जाएगा, इस तरफ करने से गैप जो कम्प्लीट हो जाएगा। अभी लंबा करके दिया है सीट को, लंबी करके 2 या 3 टाइम देना पड़ता है। ये एक्चुअली मोटर भी इसमें फिटिंग है, ये मोटर में भी चला सकते हैं। फिलहाल तो ये आप लोग को दिखाने के लिए मैन्युअली हाथ से दिखा रहा हूँ। तो ये करंट फिटिंग क्या हुआ है इसमें, चल आप ये मैं ये आपको हाथ से करके दिखा रहा हूँ। तो इसका जो थिकनेस है ये सीट का, जो ये रोलिंग करने के बाद जो मैक्सिमम 6 mm होना चाहिए। तो फिलहाल ये भी रोलिंग करके रखा हुआ है, ये अभी नहीं हुआ है, ज़्यादा मोटा है, इसे भी थोड़ा पतला करना पड़ेगा। और ये देखिए इसमें ये रोलर में देने के बाद इसको जो है स्मूथ रोलर कहा जाता है, स्मूथ रोलर यानी। और अभी ये फिनिशिंग जो है इसमें करना पड़ेगा, ये रोलर का नाम है ग्रूव रोलर। ये देखिए इसको ये मोटर करंट में भी ये मोटर फिटिंग हुआ है, लेकिन अभी हाथ से चलाएंगे। ये देखिए इस तरफ से किया जाता है इसको। ये ग्रूव रोलर में करने का ये मतलब होता है कि सीट का जो रबर सीट का जो सरफेस एरिया है उसको बीटी करने के लिए किया जाता है, मतलब एक दूसरे के साथ जो ये चिपक में ना लगे, इसलिए इसमें कहा जाता है। इसमें ये जो है स्मूथ नहीं है, ये ऐसा आपका घाट घाट है, लेकिन बाकी जो स्टार्टिंग में जो किया था ये स्मूथ है, इसलिए इसको स्मूथ रोलर कहा जाता है और इसको ग्रूव रोलर कहा जाता है। मतलब आपको ये 2 रोलर चाहिए होगा रोलिंग के लिए। और ये जो है सीट जो है आपका जो कल प्रोसेसिंग क्या हुआ था उनको मैं दिखाया था वीडियो में, लास्ट वीडियो में, तो आज जो है ये जम गया है। तो पहले दिन प्रोसेसिंग करने के बाद नेक्स्ट डे में रोलिंग करना चाहिए। तो जी है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।